इस कथन का वर्णन हमें महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में मिलता है। बहुत पहले की बात है, कुरुक्षेत्र में एक मुदगल नाम के ऋषि अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहा करते थे। ऋषि मुदगल बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे, इसलिए वह भिक्षा मांगकर 15 दिनों में एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे। उससे हर 15 दिन में अपने यहाँ इष्टिकृत नामक यज्ञ किया करते थे, फिर देवताओं और अतिथियों को भोजन कराया करते थे। उसके बाद जो अन्न बचता उसी से वे परिवार सहित निर्वाह करते थे। इसके सिवाय उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। अतिथियों की सेवा का उन्होंने व्रत ले रखा था। इस प्रकार किसी के प्रति द्वेष न रखकर बड़े प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना और शुद्ध भाव रखकर दान करना, यही उनके जीवन का व्रत था। इसलिए वह एक द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी घटता नहीं था, वह बराबर बढ़ता रहता था। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उसमें से भोजन पाते, परंतु उसमें कमी नहीं आती थी। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा ऋषि के कानों में पड़ी। वे नंग धड़ंग पागलों सा वेश बनाए वहां आ पहुंचे। आते ही बोले, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। तब मुदगल ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया। श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न बड़ा सरस लगा। मुनि भूखे तो थे ही, सब खा गए। मुदगल उन्हें अन्न देते रहे और वे उसे हड़प करते रहे। अंत में जब उठने लगे तो जो कुछ जूठा अन्न बचा था उसे अपने शरीर में लपेट लिया और जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। इसी प्रकार वे दूसरे पर्व पर भी आए और भोजन करके चले गए। मुदगल मुनि को परिवार सहित भूखा रह जाना पड़ा। फिर वे सभी अन्न के दानों का संग्रह करने लगे। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद नहीं हुआ, क्रोध ईर्ष्या या अनादर का भाव भी नहीं उठा। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। पर्व आने पर दुर्वासा ऋषि फिर उपस्थित हुए। इसी प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए, किंतु कभी भी मुदगल मुनि के मन में कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। इससे दुर्वासा ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोस्तों, तब उन्होंने मुदगल मुनि से कहा, मुने, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचारों को हिला देती है और धैर्य हर लेती है। जीव तो रसना ही ठहरी, या सदा रस का आस्वादन ही करने वाली है। मनुष्य का चित्त रस की ओर खींचती ही रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही निश्चित रूप से तप कहा गया है। इन सब इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है, किंतु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। धैर्य, इंद्रिय विजय, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म, ये सब तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर उसकी सर्वत्र घोषणा करते रहते हैं। इसलिए तुम परम पद प्राप्त करोगे। जब दुर्वासा ऋषि मुदगल मुनि से बात कर रहे थे कि तभी एक स्वर्गदूत एक विमान से ऋषि मुदगल के पास आया। स्वर्गदूत ऋषि मुदगल से बोला कि यह विमान आपको आपके शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है, इस विमान पर बैठिए और स्वर्गलोक को प्रस्थान कीजिए। तब ऋषि मुदगल ने उस स्वर्गदूत से कहा कि मैं स्वर्ग जाने से पहले स्वर्गलोक के सुख और उसके दोष के बारे में जानना चाहता हूँ। तब उस स्वर्गदूत ने स्वर्ग के सुखों के बारे में बताते हुए कहा कि स्वर्ग यहाँ से बहुत ऊपर का लोक है, उसे स्वर्लोक भी कहते हैं। स्वर्ग आपको आपके शुभ कर्मों से प्राप्त होता है। बड़े उत्तम मार्ग से वहां जाना होता है। वहां सबके पास अपने विमान होते हैं, इसलिए वहां के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। जिसने तप, दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं, अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक है, उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता।
जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय, शम दम से संपन्न और द्वेष रहित हैं तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे उस लोक में जाते हैं। इसके सिवाय वह शूरवीर पुरुष जो अपनी वीरता को युद्ध में प्रमाणित कर देते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। वहां देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षि, याम, धाम, गंधर्व और अप्सरा, इन सबके अलग अलग अनेकों लोक हैं, जो इच्छा अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का स्वर्ण का एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है सुमेरुगिरी। उसके ऊपर देवताओं के नंदनवन आदि अनेकों उद्यान हैं, जो पुण्य आत्माओं के विहार के स्थान हैं। स्वर्ग में जाने वाला प्राणी भूख, प्यास, गर्मी, जाड़ा, उदासी, शोक और भय जैसी चीजों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती है जिसे देखकर मन में घृणा पैदा हो। सब ओर मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है, शीतल मंद हवा चलती है, सब ओर मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुनाई पड़ते हैं। स्वर्ग में ना कोई रोता है, ना कोई बूढ़ा होता है, ना किसी के शरीर में थकावट होती है। स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व के प्रधानता होती है, वे शरीर के पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। माता पिता के रजवीर्य से उनकी उत्पत्ति नहीं होती, उनके शरीर से कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती और मलमूत्र भी नहीं निकलता, उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। वहां के दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं, कभी कुमलाती नहीं है। वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते और सभी सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इन देवताओं के लोकों से भी ऊपर अनेकों दिव्य लोक हैं। इनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। वहां अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक देवता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं। उनके लोक स्वयं प्रकाश हैं, तेजस्वी हैं और सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें लोकों के ऐश्वर्य के लिए ईर्ष्या नहीं होती, आहुति पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती, उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय होते हैं, सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। वे देवताओं के भी देवता एवं सनातन हैं। महाप्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होता। स्वर्ग के देवता भी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। वह परासिद्धि की अवस्था है, जो सबको सुलभ नहीं है। भोगों की इच्छा रखने वाले तो उस सिद्धि को पा ही नहीं सकते। इस प्रकार स्वर्गदूत ने जब स्वर्ग लोक के सुखों का वर्णन करने के बाद स्वर्ग लोकों के दोषों के बारे में बताते हुए यह कहा कि स्वर्ग लोक में मनुष्य सिर्फ अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है, मनुष्य वहां कोई नया कर्म नहीं कर सकता है। स्वर्ग लोक का भोग मनुष्य अपने कर्मों की मूल पूंजी को गंवा कर ही भोगता है, और जिस दिन उसकी यह कर्मों की पूंजी समाप्त होती है, उनके गले की माला कुमला जाती है, यही स्वर्ग से गिरने की सूचना होती है। उस दिन उस मनुष्य का स्वर्ग लोक से पतन हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ग में गए सभी मनुष्यों का एक ना एक दिन पतन अवश्य होता है। ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं, सब में यह भय बना रहता है। दोस्तों, स्वर्गदूत ऋषि मुदगल से कहता है कि मेरी समझ में यही स्वर्ग लोक का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि जब मनुष्य स्वर्ग लोक के सुख का भोग करने के बाद जब वहां से निम्न स्थान पर गिरता है, तब उसे बड़ा असंतोष और दुख होता है। उस असंतोष और दुख का वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। स्वर्ग लोक के इस दोष को सुनकर ऋषि मुदगल घबरा जाते हैं और वह स्वर्गदूत से यह पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा लोक नहीं है जहां इस प्रकार का पतन का भय ना हो। तो स्वर्गदूत कहता है कि ब्रह्म लोक से भी ऊपर विष्णु का परम धाम है, उसे पर ब्रह्म पद भी कहते हैं। पतन का भय सिर्फ विष्णु लोक में नहीं होता है, परंतु विष्णु लोक में वही पुरुष जा सकते हैं जिन्हें उनके सत्कर्मों से मोक्ष प्राप्त हो जाए। दोस्तों, स्वर्गदूत की यह बात सुनकर मुदगल ऋषि स्वर्ग जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जहां जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए, केवल उसी स्थान का अब मैं
अनुसंधान करूंगा। ऐसा कहकर वे देवदूत को विदा कर देते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त करने के लिए पुनः अपने सत्कर्मों में लग जाते हैं और कुछ काल के बाद ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्ष रूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली।